हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित भिक्कनपुर गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 1500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान अमन कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में 76 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 50 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 5 सीसी रोड, चक्रोडों पर मिट्टी भराव, प्राइमरी स्कूल में सड़क एवं तालाब का सौंदर्यकरण कार्य भी करवाया गया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 15 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 150 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 9 सोलर लाइटें भी वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र, जूनियर हाई स्कूल, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण तथा गांव को मिलने वाली धनराशि की किस्तों को समय पर भुगतान करने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान अमन कुमार, ग्राम भिक्खनपुर, ब्लॉक सरसावा, थाना सरसावा, जिला सहारनपुर। मैंने अपने गाँव में जो जो विकास कराया है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि मेरी बात मेरे सभी प्रधान भाइयों तक जा सके। जो भी मैंने विकास कराया अपने कार्यकाल में, अभी 2 साल में मैंने अपने कार्यकाल में सीसी डलवाई है सड़कें, और प्राथमिक विद्यालय के अंदर भी सीसी डलवाई है, सोलर लाइट लगवाई है, और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत कुछ कच्चे मिट्टी के काम करवाए हैं, तालाब सौंदर्यकरण करवाया है, लाइट लगवाई है गाँव के अंदर। हाँ बोलिए। गाँव के अंदर सोलर लाइट लगवाई हैं, और अब मैं सरकार से थोड़ी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मेरी मांगे हैं सरकार उनके ऊपर गौर दे, ताकि मैं अपने गांव को और अच्छा बना सकूं। मेरी सबसे पहली गुजारिश यही है सरकार से कि भाई मेरे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। तो आंगनवाड़ी केंद्र मेरे को चाहिए, और जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, ये जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 5 तक कक्षा 5 तक का स्कूल है। जो बाकी बच्चे हैं वो गाँव से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसका रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब रास्ता होने के कारण कुछ बच्चे फिर घर पर ही रह जाते हैं। कि और स्वास्थ्य केंद्र भी मेरे गांव में नहीं है, पंचायत भवन भी मेरे गांव में नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं सरकार तक को देना चाहता हूं अपने द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मैंने प्रस्ताव भेजा है वो ऊपर से अधिकारियों ने निरस्त कर उसे काटा कर दिया गया है, तो मैंने दोबारा से ही उसमें एप्लीकेशन डाली है, प्रार्थना पत्र डाला है कि भाई दोबारा से जाँच की जाए और जो पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आवास दिया जाए।